सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम अपने नए सफ़र पे निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कसौली। सो गाइस, तो आज कसौली में हम आपको एक नई लोकेशन पे लेके जाने वाले हैं, जो कि बहुत सुंदर रिजॉर्ट आया है यहाँ पर। सो उसका नाम है ऑरेलिया रिजॉर्ट्स। तो ऑरेलिया बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी है, बुटीक प्रॉपर्टी है, छोटी प्रॉपर्टी है बट बहुत लग्जरी है, बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी बनी है और आज की डेट में काफ़ी ट्रेंड में भी चल रही है वो प्रॉपर्टी। सो गाइस, आपको वो भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको थोड़ा कसौली के रास्ते के बारे में हम बता दें। तो जो ये धर्मपुर से कसौली वाला हाईवे है, हमने यही पकड़ना है हाईवे। थोड़ा सा इधर अभी भी रोड्स का मसला है, अभी रोड्स थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, बट वैसे गाड़ी में इतना दिक्कत नहीं आता है, टू व्हीलर्स को ज़्यादा दिक्कत आता है। बस हाँ, यह डस्टी है थोड़ा सा, मिट्टी धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि साइड में काम चल रहा है अभी भी। सो गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं गढ़खल। सो गाइस, गढ़खल से हमने राइट डाइवर्ट लेना है, राइट डाइवर्ट होके हमने कंडा रोड पे जाना है। एक लेफ़्ट रोड जो जाता है वो कसौली की तरफ चलेगा और राइट डाइवर्जन जो है वो कंडा रोड चला जाएगा, वहाँ उस रोड पे आएगी ये प्रॉपर्टी। सो रोस्टम रिजॉर्ट्स, अगर आपने देखा होगा तो रोस्टम रिजॉर्ट से थोड़ा सा ही आगे जाके है ये प्रॉपर्टी और ऑलमोस्ट हम कंडा पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये प्रॉपर्टी आती है। तो थोड़ा से नैरो रोड्स हैं तो आराम से आप चलिए। रोड्स ठीक हैं ऐसे तो, बट वही है कि विलेज एरियाज़ है तो विलेज एरियाज़ में थोड़ा नैरो ही रहते हैं रोड्स। सो अभी हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ से बस ये लेफ्ट में ही हमारी डेस्टिनेशन आ जाती है। सो प्रॉपर्टी का नाम है ऑरेलिया रिजॉर्ट्स। तो वैसे तो गाड़ी नीचे भी चले जाती है बट हमने क्योंकि अभी निकल जाना है साथ साथ ही, सो अभी हम यहाँ ऊपर ही लगा रहे हैं गाड़ी अपनी पार्किंग पे। वैसे जो इन हाउस गेस्ट के लिए नीचे प्रॉपर पार्किंग है। सो आज हम अपनी शेरा लेके आए हुए हैं, काफ़ी टाइम बाद शेरा को निकाला है और इधर अपना ऑरेलिया लेके आए हैं। सो गाइज़, ये प्रॉपर्टी आज की डेट में मोस्ट ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी है कसौली मार्केट की, और कसौली में जिस तरह से इतने सारे रिजॉर्ट्स आ रहे हैं उसको देखते हुए ये प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग है। अभी नो डाउट लिमिटेड इन्वेंट्री है इनके पास, अराउंड मैं आपको भी बताऊंगा, 11 रूम्स की प्रॉपर्टी है एज ऑफ नाउ, बट आने वाले दिनों में या कुछ ही महीनों के अंदर अंदर यहाँ पर काफ़ी और नए रूम्स भी आ जाएंगे। सो 30+ रूम्स की इन्वेंट्री हो जाएगी टोटल। तो भी आपको लेकर चढ़ते हैं पहले रूम कैटेगरी में। इनके सारे रूम्स ही बहुत लग्जरी है, बहुत प्रीमियम लेवल के बने हैं और बहुत प्रीमियम लेवल की ही प्रॉपर्टी है, 5-स्टार सेगमेंट की ही ये प्रॉपर्टी है। सो बुटीक प्रॉपर्टी है एंड हम आपको पहला रूम कैटेगरी दिखाते हैं। यहाँ सामने इनका रिसेप्शन एरिया आ जाता है, वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, ये रिसेप्शन एरिया के साथ ही यहाँ पर रूम्स हैं इनके। सो आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं इनके पहले रूम कैटेगरी में। सो गाइज, चेकआउट दिस रूम। सो ये है हमारा पहला रूम कैटेगरी इस प्रॉपर्टी का। सो ये डिलेक्स रूम है। डिलेक्स रूम में इनका इसमें बेसिक रूम में भी आपको एक तो बालकनी मिलेगी। बालकनी इज मस्ट इन एवरी रूम्स। सो लोग देखो यहाँ आते हैं व्यू के लिए एंड रिलैक्स करने के लिए, सो बालकनी तो सबको चाहिए ही होती है। और बेस्ट पार्ट ये है इस बालकनी का कि काफ़ी स्पेस है इस बालकनी में। तो बालकनी से एक तो व्यू बहुत अच्छा है, प्रॉपर सनशाइन अंदर आती है एंड आराम से 3-4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। एक कई बार तो नाम ही होता है किसी किसी होटल में, बिल्कुल छोटी सी बालकनी होती है, बट इसमें आपको बहुत स्पेशियस बालकनी मिल रही है। यहाँ से व्यू भी पूरा ज़बरदस्त दिखता है, प्रॉपर्टी का भी व्यू दिखता है। इस साइड आपको स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे हम, और यहीं पर ही बाहर ओपन एरिया सिट आउट एरिया भी आ जाता है। सो नीचे की तरफ इनके, यहीं से नीचे उतर के आगे जाके इनके और रूम्स भी बन रहे हैं, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। सो गाइज़, यहाँ से व्यू तो एकदम ज़बरदस्त है। अब आपको अंदर लेकर चलते हैं रूम में। रूम में एमिनिटीज़ आपको सारी मिलेंगी जैसे कि हम आपको अभी दिखाते हैं। सो रूम एक तो टॉप नॉच क्वालिटी का एकदम लग्जरी एंड पे बना है, विद एसी, विद इलेक्ट्रिक केटल, मिनी बार, हर एक फैसिलिटीज़ है इस रूम में। और अगर वॉशरूम की भी बात करें तो वॉशरूम भी एम्पल स्पेस है और वॉशरूम में भी सारी एमिनिटीज़ हैं। सो बात करें आप हेयर ड्रायर से लेके स्ट्रेटनर, हर एक चीज़ मिलेगी वॉशरूम में भी आपको। एंड मेन देखो यही होता है कि एमिनिटीज़ अगर सारी मिलें और एक थोड़ा लग्जरी एंड पे रहे तो अपना जो रूम की जो क्वालिटी है वो वर्थ इट लगती है कि नहीं यार, अगर कुछ भी अमाउंट का है ये
सो लाइक वर्थ इट लगता है। सो स्टार्टिंग प्राइस भी मैं आपको बता दूँ तो अराउंड 8,000 से 10,000 की रेंज में इनका ये रूम कैटेगरी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं इनके सेकेंड रूम कैटेगरी में, जो कि बहुत सुंदर बनाया हुआ है। वो बेसिकली जकूजी रूम है। तो जकूजी रूम जो है वो इनका सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग चलता है। बेस्ट पार्ट क्या है, ये देखिए जकूजी रूम के साथ में एक तो ये बालकनी आ जाती है, ओपन सिट आउट एरिया, बालकनी बहुत बड़ी है इनकी। सो आपको अभी अंदर लेकर चलते हैं। सो गाइज ये देखिए आप अंदर से रूम कितना स्पेशियस है, इतना अच्छा स्पेस है। लगभग लाइक 380-400 स्क्वायर फीट एरिया का ये रूम बना है इनका, और बहुत लग्जरी इन पे है ये रूम। सो एनी डे वर्थ स्टेइंग है। जिस तरह से एमिनिटीज़ हैं प्रॉपर्टी में, जिस तरह से लाइक लग्जरी इन पे बनी है, बहुत अमेजिंग है ये प्रॉपर्टी। सो अभी ये देखिए आप एमिनिटीज़ सारी है, इलेक्ट्रिक केटल से लेके मिनी बार से लेके लाइक हेयर ड्रायर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द रूम। सो लाइक यहाँ पर भी लगेज रखने के लिए काफ़ी स्पेस है, कबर्ड्स भी बहुत अच्छी है। ये रूम ये वॉशरूम आ जाता है इनका, वॉशरूम में भी लाइक बिग मिरर है एंड एमिनिटीज सारी है। और आपको भी हम जकूजी दिखाते हैं। जकूजी इनका अलग से बना है। बेसिकली क्या होता है, कई रिजॉर्ट्स में जकूजी वॉशरूम के अंदर ही होता है, बट जकूजी का जो कंसेप्ट है मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अलग होना चाहिए, बिकॉज लाइक जो वॉशरूम के अंदर आप इतना ज़्यादा देर रिलैक्स नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा अलग बना होगा, जैसे कि आप वहाँ सामने देखिए बना हुआ है, आपको अभी लेकर चलते हैं जकूजी में। तो जो इनका लाइक रूम के अंदर भी कितना ज़्यादा स्पेस है बैठने के लिए, लाइक अगर आपके साथ किड्स भी हैं तो किड्स इजीली इंजॉय कर सकते हैं रूम के अंदर। तो ये देखिए ये इनके जकूजी रूम है। सो ये जकूजी जो है इनका काफ़ी बड़ा बिग जकूजी है, एंड इसमें भी आराम से आप काफ़ी देर तक इंजॉय कर सकते हैं व्यू को देखते हुए, बिकॉज देखिए लोग यहाँ आते हैं रिलैक्स होने के लिए। सो जो मेन कंसेप्ट है जकूजी का वो बहुत अच्छा है। देखिए एक तो पूरा व्यू दिख रहा है आपको, और आराम से आप रिलैक्स कर रहे हैं जकूजी के अंदर। एंड लगभग लेके चलिए 15,000 से 16,000 की रेंज में इस रूम की कॉस्टिंग आती है विद ब्रेकफास्ट के साथ। और अगर आप हमसे कराते हैं तो आपको बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। सो अभी लेकर चलते हैं आपको इनकी थर्ड कैटेगरी में। तो ये वाला जो रूम है इनका, ये स्वीट रूम है, स्वीट रूम विद स्विमिंग पूल के साथ। तो प्लंज पूल आ जाता है इस रूम में। यहाँ पर सबसे पहले इनका ये लिविंग एरिया आ गया। लिविंग एरिया में काफ़ी अच्छा एम्पल स्पेस है बैठने के लिए, पूरा सोफ़ा लगा है, एलईडी लगा है, केटल है, मिनी बार है, और इधर इनका बेडरूम आ जाता है। सो लाइक काफ़ी अच्छा स्पेस है, 450 स्क्वायर फीट का रूम है ये। और इस साइड इनका ये वॉशरूम आ जाता है, वॉशरूम भी इनका स्पेशियस है काफ़ी। अब आपको इनका दिखाते हैं मेन यूएसपी इस रूम की, प्लंज पूल विद झूला। सो जो ये चीज़ है ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, प्लंज पूल। प्लंज पूल जो है इनका, ये काफ़ी अच्छा प्लंज पूल है, आराम से 4 से 5 लोग एंजॉय कर सकते हैं इस पूल में। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें ये झूला भी लगा है, तो लाइक आराम से आप फोटो सेशन भी करा सकते हैं, अपना रील्स बना सकते हैं, गर्ल्स काफ़ी अच्छा इंजॉय कर सकते हैं, फैमिलीज बहुत अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। सो लाइक एनी डे जो ये रूम है ये इस प्रॉपर्टी का सबसे बेस्ट रूम में आता है, बिकॉज आज की डेट में ऐसे ये प्लंज पूल वाले और आपका जकूजी वाले रूम्स ही लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बिकॉज देखिए अगर किसी ने 15,000-20,000 रुपये एक रूम का वन नाइट के लिए लगाना है, सो ये सब फैसिलिटीज़ आज की डेट में मैंडेटरी है, एंड ये सब फैसिलिटीज़ ही आज की डेट में लोगों को चाहिए। सो एनी डे इस प्रॉपर्टी में आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, हाईली रिकमेंडेड है। सो अब आपको लेकर चलते हैं इनके फोर्थ कैटेगरी में। सो जो ये फोर्थ कैटेगरी है ये फैमिली प्रेजिडेंशियल स्वीट रूम है। सो बेसिकली इसमें 2 बेडरूम्स + 1 लिविंग एरिया आ जाता है। सो बेसिकली ये आपको हम पहला बेडरूम दिखा रहे हैं इनका। सो बेडरूम एनी डे देखिए स्पेशियस है, प्लस बालकनी के साथ है। ऐसा नहीं है कि एक ही रूम के साथ बालकनी है, इसमें बालकनी आपको दोनों रूम्स के साथ मिलेगी, अटैच बालकनी है। एंड बालकनी का साइज़ भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा बालकनी का साइज़ है, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में भी दिखाया था। इनका जो दूसरे रूम्स थे उसमें भी बालकनी बहुत बड़ी थी। सो इनका जो रूम है सभी रूम्स का साइज़ बहुत बड़ा है, 300-350 रूम स्क्वायर फीट के रूम्स हैं इनके। एंड एमिनिटीज़ अगेन सारी एमिनिटीज़ हैं इस रूम में भी। सो बेस्ट पार्ट क्या है कि ये लिविंग एरिया एक कॉमन लिविंग एरिया है 2 रूम्स का। सो अगर आपकी 4 से 6 लोगों की लाइक फैमिली है तो सो आप ये रूम ले सकते हैं, इसमें अपना आराम से इंजॉय कर सकते हैं।
कुछ भी, आपको खुद भी कुकिंग करना है खुद भी कुकिंग कर सकते हैं। सो लाइक आपको अभी पहला रूम दिखाया, अब आपको हम दूसरा रूम दिखाते हैं। दूसरा रूम थोड़ा सा इनका बड़ा है बिकॉज ये प्रीमियम रूम आ जाता है। सो इस रूम की जो खासियत है, इस रूम में आपको थोड़ा सा लिविंग स्पेस अंदर ही आ जाता है। सो ये सोफ़ा बना हुआ है वो आपको हम दिखाते हैं। प्लस अगेन बालकनी देखिए, फुल साइज़ बालकनी है इसमें भी एंड अटैच बालकनी है। सो यहाँ पर जो ये मैं बात कर रहा था आपको, ये वाला इनका थोड़ा सा लिविंग स्पेस आ जाता है बैठने के लिए। सो कुछ भी आपको लाइक मीटिंग करना है मीटिंग कर सकते हैं विद व्यू। लाइक विंडोज़ हर तरफ दे रखी है इन्होंने, व्यू आप पूरा इंजॉय कर सकते हैं रूम से भी इजीली, रूम का अंदर से भी, रूम से बाहर से भी। सो अभी गाइज आपको लेकर चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे जहाँ इनके न्यू रूम्स बन रहे हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, उससे पहले हम आपको एक गार्डन व्यू रूम दिखाते हैं जिसमें लाइक गार्डन मिल रहा है, बालकनी नहीं है, बालकनी कम गार्डन मिल जाता है। सो ये रूम अपने में बहुत खास है बिकॉज इसमें क्या है कि ये बड़ा गार्डन मिल जाता है एंड दो रूम्स हैं इधर यहाँ पर। सो लाइक अगेन 4 से 6 पैक्स की गैदरिंग है तो आप ये दोनों रूम्स ले सकते हैं। अगर 2 पैक्स भी है तो सिंगल सिंगल रूम भी आपको मिल जाएगा। सो आपको रूम दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर से ये चीज़ दिखाता हूँ। इनकी वॉल्स देखिए कितना ज़बरदस्त वॉल बनाई है और बाहर बैठने के लिए कितना अच्छा सिट आउट एरिया आ जाता है। सो अगेन लाइक यहाँ पर आपको कोई छोटा सा बर्थडे अपना इंजॉय करना है, बर्थडे गैदरिंग करनी है या कोई किट्टी पार्टी है तो आराम से यहाँ गार्डन में इनका इंजॉय कर सकते हैं, पर्सनल स्पेस बन सकता है आपका यहाँ पर। सो एमिनिटीज़ अगेन इस रूम में भी सारी एमिनिटीज़ मिल जाती हैं, रूम का साइज़ भी इक्वली उतना ही बड़ा है। वॉशरूम ये थोड़ा सा बड़ा वॉशरूम लग रहा है हमें। सो वॉशरूम में अगेन सारी एमिनिटीज़ हैं। सो गाइस एनी डे जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको वर्थ इट है एंड लाइक आपको बुकिंग्स करवानी है कभी भी हमें कभी भी कॉन्टैक्ट करिए, आपको 100% एश्योर्ड बेस्ट डील्स देंगे हम बिकॉज हम प्रीमियम बुकिंग पार्टनर हैं इन सभी रिजॉर्ट्स के यहाँ पर। सो हम लोग सोलन में ही रहते हैं, मैनी टूर एंड ट्रैवल्स नाम से हमारी कंपनी है एंड हम लोग प्रीमियम बुकिंग पार्टनर हैं इस रिजॉर्ट के। सो ये रिजॉर्ट जो है ये आज की डेट में मोस्ट ट्रेंडिंग रिजॉर्ट है कसौली मार्केट का और हाईली रिकमेंडेड है। आप अगर प्लान कर रहे हैं कसौली आने का तो इधर ज़रूर आएँ एक बारी बिकॉज इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो टॉप नॉच है। इनके रूम्स मैंने आपको दिखाया, सारे रूम्स ही बहुत लग्जरी इन पे बने हैं। सो गाइज आप ये देखिए ये कितनी अच्छी इन्होंने वर्क किया हुआ है वॉल पे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत लाइक अच्छी लगती हैं अगर ये सब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें डिज़ाइन की हों। यहाँ से वो सामने नीचे जाके इनके नए रूम्स आ रहे हैं। सो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके रेस्टोरेंट एरिया में। सो रेस्टोरेंट एरिया भी इनका काफ़ी अच्छा स्पेशियस है, ये थोड़ा सा ओपन एरिया आ जाता है रेस्टोरेंट का और एक इंडोर स्पेस भी है। सो लाइक अगेन यहाँ पर भी एक आउटडोर स्पेस दे रखा है, एक इंडोर स्पेस दे रखा है, प्लस थोड़ा सा गेमिंग जोन आ जाता है, बच्चों के लिए गेम्स भी आ जाती हैं। सो यहाँ बैठ के आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं नेचर को बिकॉज चारों तरफ लाइक ट्रीज़ है एंड आप नेचर को फुल इंजॉय कर सकते हैं। सो ये एरिया भी इन्होंने बहुत अमेजिंग बनाया हुआ है। बाकी लग्जरी रिजॉर्ट्स में देखिए फूड क्वालिटी बहुत अहम रोल रहती है। सो फूड क्वालिटी यहाँ की टॉप नॉच है एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है हमारी, हमने अभी टेस्ट किया, बहुत अमेजिंग फूड क्वालिटी है और हाईली रिकमेंडेड है ये प्रॉपर्टी एनी डे। यहाँ पर इनका ये पार्किंग स्पेस आ जाता है, मेन जो पार्किंग स्पेस है वो यहाँ है इन हाउस गेस्ट के लिए, सभी लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ लेफ्ट साइड में इनका न्यू ब्लॉक आ रहा है अभी और ये और भी प्रीमियम लेवल पे बन रहा है, और भी ज़्यादा एमिनिटीज़ के साथ बन रहा है ये वाला ब्लॉक। सो गाइज अब आपको लेकर चलते हैं हम इनके ओपन सिट आउट एरिया में। तो ये इनका ओपन सिट आउट एरिया आ जाता है, काफ़ी सुंदर स्पेस है इनके पास, काफ़ी अच्छी फर्नीचर लगाया हुआ है इन्होंने आउटडोर फर्नीचर। और अब आपको यहाँ से ही लेकर चलते हैं इनके स्विमिंग पूल एरिया में। तो ऊपर तो इन्होंने ये ओपन सिट आउट एरिया बनाया है और नीचे इनका ये स्विमिंग पूल है, मिनी स्विमिंग पूल है बेसिकली, ये बहुत बड़े लेवल का नहीं है, छोटा सा मिनी स्विमिंग पूल है ये बिकॉज देखिए 11 रूम्स की टोटल इन्वेंट्री है तो उस अकॉर्डिंगली इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है अपना। सो गाइस अभी आपको हम दिखाते हैं इनका एक और रूम, ये इनका स्वीट फैमिली स्वीट रूम आ जाता है, डुप्लेक्स रूम है एंड एंटीक रूम है ये।
इसमें क्या है कि ये डुप्लेक्स आ जाता है, एक रूम नीचे है, लिविंग एरिया है और एक रूम ऊपर है। बहुत ज़बरदस्त रूम है ये, इनका सबसे बड़ा रूम है और सबसे टॉप क्वालिटी वाला रूम है इनका, जिसमें लाइक का जो ऊपर वाला रूम है वो पूरा एंटीक बेस्ड है, वुडन वर्क हो रखा है पूरा। गाइस देखिए, आपको मैंने सारे रूम्स दिखाए, पांचों कैटेगरीज़ के रूम्स इनके टॉप नॉच हैं, एकदम ज़बरदस्त चीज़ बनाई है इन्होंने। हाईली रिकमेंडेड है ये प्रॉपर्टी एनी डे। तो गाइस ओवरऑल प्रॉपर्टी में एमिनिटी सारी है, लग्जरी एंड पे प्रॉपर्टी हैं, आपको मैंने रूम्स दिखाए सभी। ये नाइट व्यू भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इनका प्रॉपर्टी, लाइक आप आराम से स्टेकेशन कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। आपने किटी पार्टी करनी है, कोई गेट टुगेदर फंक्शन करना है, या नॉर्मल लाइक FIT बुकिंग्स भी करना हो किसी को भी, एनी डे हाईली रिकमेंडेड है ये प्रॉपर्टी। एंड आपको हमसे शॉर्ट बेस्ट डील्स मिलेगी, आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आ रहे हैं और नीचे भी आ जाएंगे, ठीक है। आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट करिए इस प्रॉपर्टी में बुकिंग करवाने के लिए, आपको पूरी मार्केट में सबसे अच्छी डील्स देंगे हम, ऑनलाइन से भी बहुत अच्छी डील्स देंगे, बिकॉज़ हम प्रीमियम बुकिंग पार्टनर हैं इस रिज़ॉर्ट के। गाइस अभी हम अपना वापसी के सफ़र पे निकल चुके हैं और आज हमने आपको दिखाई ऑरेलिया रिजॉर्ट्स कसौली में। ये बेसिकली आपको मैंने लोकेशन भी बताई है, कंडा रोड पे आती है, गढ़खल से आपको कंडा रोड आना है, तो मेन जो धर्मपुर है, मेन धर्मपुर चौक से आपको हार्डली 25 मिनट्स लगेंगे, तो 25 मिनट्स में आप इस प्रॉपर्टी में पहुंच जाएंगे। और थोड़ा बस रोड्स नैरो है, बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी तो एकदम बढ़िया है, व्यू एकदम शानदार है, पीस है एकदम, सेरेनिटी है एकदम। गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, हमारे ऑलमोस्ट 1500 सब्सक्राइबर्स होने को हैं। और कमेंट करके बताएं आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले किसी व्लॉग में, अभी हम आने वाले दिनों में आपको और ज़बरदस्त व्लॉग्स दिखाने वाले हैं, बहुत सुंदर सुंदर रिजॉर्ट्स भी दिखाने वाले हैं, मार्केट में इतने अच्छे लग्जरी रिजॉर्ट्स आ गए हैं, आप बोलेंगे कि इस एरिया में तो आना बनता है। तो अभी के लिए बाय बाय बाय, मेहनत मेरी रहमत उसकी प्यार आपको और ऐसी प्यार बना के रखें, अभी के लिए बाय। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बाय।